हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल दोस्त आई की भी स्वागत है। मैं एजे हमेशा की तरह इस बार भी एक मजेदार जॉब नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ। हम लोग जानेंगे किस राज्य की जॉब है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का आज वैकेंसी हम लोग लेके आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का अब पोस्ट का जो नेम है नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पोस्ट का नेम है, पोस्ट का नाम नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें टोटल कितने पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 117 यानी कि 170 पोस्ट है, 170 पोस्ट है। अब यह बात की जाए कि फार्म मतलब कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, तो यह फार्म जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। फार्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो फार्म ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आगे बताऊंगा। अब बात आती है जो वैकेंसी है उस पर डिटेल जान लिया जाए कि किस वैकेंसी पे कितने पोस्ट हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल का पोस्ट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैनेजर टेक्निकल का पोस्ट है। इसमें पोस्ट कितने हैं, 46 पोस्ट हैं यानी कि 46 पोस्ट हैं। सेकेंड नंबर पे जो पोस्ट आता है जनरल मैनेजर का पोस्ट है, जनरल मैनेजर टेक्निकल का पोस्ट है। इसमें कुल 124 पोस्ट है, मतलब 124 पोस्ट हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे उसमें अप्लाई कर लीजिएगा, दोनों में क्वालिफिकेशन लगभग सेम मांगा है। अब बात की जाए क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग यानी बीटेक किए हैं आप लोग, या तो क्या कर पॉलिटेक्निक या एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी वाले भी सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री है, ठीक है। अब बात की जाए कि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 महीने का एक्सपीरियंस भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट इसमें एज की क्या रिक्वायर्ड है, एज इसमें 21 से लेके 56, ध्यान सुन लीजिए, 21 वर्ष से लेके 56 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं एज वाले, 21 से लेके 56 वर्ष के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है, रिजर्वेशन भी मिलता है, जैसे आपकी मतलब कोई रिलेशन का है तो रिजर्वेशन भी मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट अब इसमें सैलरी कितनी है, तो सैलरी की बात की जाए तो इंजीनियरिंग की जो पोस्ट होती है उसमें सैलरी सब हाई होती है, तो इसकी सैलरी कितनी है, 67,700 से लेके स्टार्टिंग, यानी कि जो मैनेजर टेक्निकल का पोस्ट है उस पर 67,700 से लेके, और जितना आपका ग्रेड पे बढ़ेगा मतलब कि सबसे हाईएस्ट जाता है 2,00,000 रुपये पर मंथ तक, ठीक है। इसकी सैलरी है 67,000 से लेके 2,00,000 रुपये तक आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। अब बात की जाए सिलेक्शन मेथड की, तो सिलेक्शन मेथड सब में सेम ही होता है। सिलेक्शन की बात की जाए तो पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब आपका क्वालिफिकेशन मतलब कि आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। अब मेन पॉइंट कि इसमें डेट क्या है, अप्लाई डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, तो अप्लाई डेट की बात की जाए, ध्यान से सुन लीजिए, अप्लाई डेट की बात की जाए तो 15 फरवरी से स्टार्टिंग हो गया है, 15 फरवरी 2020 से फार्म स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट इसका क्या है, 4 अप्रैल 2020 इसका लास्ट डेट है, ध्यान सुन लीजिएगा, 4 अप्रैल 2020। अगर आपको फार्म अप्लाई नहीं करना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, कम से कम वो अप्लाई कर सकता है जो आपके रिलेशन में कोई बीटेक किया है चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसके यहाँ इस वीडियो को मतलब शेयर कर दीजिएगा। अब बात की जाए कि इस फार्म को अप्लाई कहाँ से किया जाए, जब फार्म ऑनलाइन है तो अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है क्या है, NHAI, ध्यान सुन लीजिएगा, NHAI.government.in पे, NHAI.government.in पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।